हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बूट्स एल्गोरिदम कंप्यूटर के लेक्चर में बताने जाऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बूट्स एल्गोरिदम जो है बेसिकली नेगेटिव जो इंटीजर्स है ना उनके ज़्यादा इफेक्टिव है, उनको ये कम टाइम में और फास्टर वे में एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन होगा। हमारे पास जो चीज़ें गिवन होगी वो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर गिवन होगा। मल्टीप्लिकेंट को हम बी आर में स्टोर कराएंगे और मल्टीप्लायर को हम क्यू आर में। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी इनिशियली ए सी की 0, क्यू एन प्लस वन की 0 एंड एस सी की एन। एन क्या है? हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्या होगा। हम एक वैल्यू को लेंगे, दो वैल्यूज बेसिकली कंसिडर करेंगे, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन। ठीक है, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू इनिशियली 0 होगी एंड क्यू एन की वैल्यू जो हमारी रहेगी एक्सट्रीम राइट साइड की वैल्यू रहेगी जो क्यू आर की रहेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन की वैल्यू के कॉम्बिनेशन 0 1 होता है तो हमारा ए सी प्लस बी आर होगा और कहाँ स्टोर होगा? ए सी में। और अगर हमारा 1 0 है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू तो ये ए सी प्लस बी आर बार प्लस वन होगा जो कि ए सी में स्टोर होगा। अब अगर हमारी वैल्यू 0 0 या फिर 1 1 है तो इन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमारा अरिथमेटिक राइट शिफ्ट रहेगा ए सी और क्यू आर का और हमारी सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू जो है -1 हो जाएगी। अब अगर हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 1 या 1 0 है तो अल्टीमेटली फिर से भी हमको अरिथमेटिक राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है और सिक्वेंस काउंटर की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाए -1 हो जाएगी। अब लास्ट में जो हमको नेक्स्ट स्टेप करनी है वो क्या है? एस सी की अगर वैल्यू 0 है तो हमारा एंड रिजल्ट आ गया, अगर एस सी की वैल्यू 0 नहीं है तो हमको दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब क्या है। मैं यहाँ पे वैल्यूज -9 -13 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप -9 छोड़ दिए, पहले हम 9 का लेते हैं। 9 का अगर जो है आप बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो जाके 01001 आएगा। ठीक है, बट क्योंकि ये हमारा है तो माइनस है तो माइनस का क्या प्रॉपर्टी है? जो भी आपके सिंबल दे रखे हैं वो रिवर्स हो जाएंगे +1, तो हमारा बी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन +1। तो अगर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जाके क्या होगा? 1011 +1, तो 1011। ये हमारा बी आर की वैल्यू हो गई, मतलब ये जो बाइनरी वैल्यू है -9 की है। सिमिलरली हम क्यू आर के लिए भी यही फॉलो करेंगे। अगर आप 13 चेक करेंगे तो 13 की बाइनरी वैल्यू है 01101, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या क्या जाके होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट +1, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 10011। तो ये हमारा जो है क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, चलिए आइए टेबल बना के देखते हैं कि हमारा टेबल के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं आप कुछ कॉलम्स बना देता हूँ। पहला हमारा स्टेप्स रहेगा, इसका केस में हम स्टेप्स घटा ही देते हैं। हम क्यू एन हमको यूज करना है बेसिकली और क्यू एन प्लस वन यूज करना है, तो क्यू एन प्लस वन एक कॉलम ये हो गया। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, बी आर इक्वल्स टू 10111 एंड बी आर बार +1, जैसे कि मैं बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े पेज को, ये हो गया। ठीक है, एंड देन हमारा ए सी, ए सी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इनिशियली जो है ये हमारा 0 0 रहेगा। ठीक है, एंड देन हमारा क्यू आर, क्यू आर हमारा क्या रहेगा? जो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू है बाइनरी में, तो हमारी मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? क्यू आर इज इक्वल्स टू, मैं चलिए यहाँ पे लिखने की जगह डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, 10011 एंड देन क्यू एन प्लस वन। क्यू एन प्लस मैंने आपको बता ही दिया इनिशियली जो है ये 1 रहेगा। ठीक है, और एस सी, एस सी हमारा क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर, तो ये हमारा बाइनरी में हम लिखेंगे इसको, 5 डिजिट से हमारी, तो बाइनरी में क्या हो गया? 1011। ठीक है, चलिए भाई ये चेक करते हैं। क्यू एन की वैल्यू इनिशियली 0 और क्यू एन, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जो है सॉरी इनिशियली 0 रहेगी और क्यू एन की वैल्यू जो इनिशियली है ये 1 है यहाँ पे, तो 1 0। अब 1 0 पे कॉम्बिनेशन पे देखिए क्या हो रहा था, ए सी प्लस बी आर बार +1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स को, मैं यहीं साइड बाई साइड लिखता हूँ इनिशियल एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड बी आर बार +1। ठीक है, ये हमारा अब एड हुआ क्योंकि ए सी प्लस बी आर बार +1 था ना, तो ये हमने ऐड किया। बैठ क्या होगा हमारा? 01001। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा हमारा? 01001। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमको क्या करना था? ए सी और क्यू आर का अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, अब अरिथमेटिक राइट शिफ्ट में क्या है, मैं पे स्टेप्स लिख देता हूँ। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट वैल्यू रहेगी वही हमारा फर्स्ट वैल्यू रहेगा आउटपुट में भी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई एंड देन नेक्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू जो है एसी में वो हमारी सेकंड वैल्यू हो जाएगी, तो 0101, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, 5 डिजिट्स के रखना है, 1101। ठीक है,
एंड देन क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या होता है कि अब जो क्यू आर की वैल्यू है ना वो क्यू एन प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगी, इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारी एस सी की वैल्यू क्या है, माइनस वन हो जाएगी, तो 1005 से 4 हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई 0010001001। ठीक है, अब देन सेकेंड स्टेप पे हमको चलना है, तो सेकेंड स्टेप अगर आप कंसिडर करेंगे तो क्यू एन की वैल्यू क्या है आपकी 1, एंड क्यू एन प्लस वन क्या है, ये भी 1 है, तो जब सेम हो रहा था तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ए एस एच आर, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बस हम अरिथमेटिक राइट शिफ्ट कर देंगे। देखिए इसका अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करता हूँ तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो गया, 0 ही रहेगा, एंड 0010, देन हमारा क्या होगा 0110001 इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एस सी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, फोर को जो है माइनस वन करेंगे तो 3 हो गया, 3 बाइनरी में कैसे रखेंगे 0011, ये हमारा माइनस वन हो गया। ठीक है, अब इसको जो है हम यहाँ पे थर्ड स्टेप कंसिडर करके चलते हैं। देखिए क्यू एन प्लस वन की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 1, एंड क्यू एन की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए जब हमारा 0 एंड 1 हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ए सी और बी आर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ बी ऐड कर देंगे, ऐड बी आर, बी आर की वैल्यू हमारी क्या है 1011, जो कि है 1011। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया 1110 110 कैरी 1 1 1 1 1 0 0 1। अब इसको जो है हमको ए एस एच आर करना है, मतलब अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो तो हमारी 1 ही रहेगी, 1 1 1 0 0, ये हमारा आउटपुट हुआ, देन 1010। क्यू एन प्लस वन क्या हो गया जाके 0, एस सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन, तो क्या हो गया 010। ठीक है, ये हमारा जाके आउटपुट आ गया। अब देन हमारा फोर्थ स्टेप होगा, अगर आप चेक करेंगे तो क्यू एन की वैल्यू क्या है 0, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब देखिए 0 0 पे हमारा फ्लो चार्ट क्या बोल रहा था कि हमको ए एस एच आर करना है डायरेक्ट, तो हमने अगेन वही कर दिया ए एस एच आर। ठीक है, 1 को तो हमारा 1 ही रहेगा फर्स्ट वैल्यू, 1110 ये आ गया। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा 0101 0 इधर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 001, क्योंकि माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्यू एन प्लस वन वैल्यू क्या जाएगी 0, क्यू एन क्या है 1, ये हमारी जो वैल्यूज हैं ये आ गई 10, ये हमारी फिफ्थ स्टेप है। अब 10 पे क्या है, ए सी प्लस बी आर को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया, ऐड बी आर बार प्लस 1, देखिए बी आर बार क्या है 01001 01001, देखिए इसको ऐड करने पे क्या नतीजा रिजल्ट आएगा हमारा 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1, कैरी नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा इसको अभी हमको ए एस एच आर करना है 01011। ठीक है, इसको भी जो है हमको ए एस एच आर करना है, ए एस एच आर, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 00011 10 10 1, क्यू एन प्लस 1 1 आ गया, एस सी माइनस 1000, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 0011 10 101, मतलब जो ये हमारा पूरा ए सी एंड क्यू आर है ना, ये हमारा पूरा फाइनल रिजल्ट रहेगा। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना -19 -13 को, तो हमारा आउटपुट यही आएगा बाइनरी में। आई होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।